हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका खास बात चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन ज़िले की, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में अंदर की तरफ स्थित है। इस ज़िले का बॉर्डर उत्तर में आगरमालवा ज़िला, पूर्व में शाजापुर और देवास ज़िला, दक्षिण में इंदौर ज़िला और पश्चिम में रतलाम ज़िला है। अगर आप इसी तरह अन्य ज़िलों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अन्य ज़िलों की वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। इसका मुख्यालय उज्जैन में है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनक श्रृंगा आदि है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि कृष्ण और बलराम यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। उज्जैन का इतिहास कैथा सभ्यता काल से जुड़ा हुआ है, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व में थे। इतिहासकारों के मतानुसार उज्जैन एक बार लोह युग में ध्वस्त हो चुकी थी। इसके बाद ये पुनर्जीवित हुई, जब इसे अवंती राज्य की राजधानी बनाया गया था। और धीरे धीरे उज्जैन का उत्थान मालवा भूखंड के अंदर राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में होने लगा था। मौर्य काल में उज्जैन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बिंदुसार ने उज्जैन पर विजय प्राप्त करके इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। एक महान धार्मिक केंद्र के रूप में उज्जैन बनारस, गया और कांची के बराबर है। इस जिले का क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,87,000 के आसपास है। यहाँ का लिंगानुपात 955 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, तथा साक्षरता दर लगभग 72% है। इस जिले में 11 तहसील, 6 ब्लॉक, 31 पुलिस थाने और 1106 गांव हैं, जिनमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, जो कि उज्जैन लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के उद्योग और व्यापार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने नरवर गांव के पास देवास उज्जैन रोड पर एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1200 एकड़ जमीन आवंटित किए हैं। यहाँ की फसलों में गेहूं, चना, लांटिल, मटर, सोयाबीन आदि प्रमुख है। यहाँ पर कई शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आदि प्रमुख हैं। यहाँ की परिवहन की बात करें तो उज्जैन में कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर में है, जो कि यहाँ से 57.2 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन जंक्शन उज्जैन का मुख्य रेलवे स्टेशन है, और यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेलवे स्टेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल काल भैरव, श्री महाकालेश्वर मंदिर, नवग्रह मंदिर, बोधशाला, कालियादेह पैलेस, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ आदि है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।